और फिर यदि हम उन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा बहुत सारा समय जो है, और जिसको कहते हैं ना, जो एक कॉग्नाइटिव लोड हमारा बढ़ जाता है, जिन चीजों पर सोचने की जरूरत नहीं है, जिनको ऑटोमेटिकली किया जा सकता है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था बराक ओबामा पर, जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उनकी प्रोफाइल जो है उसको एक ऑथर ने डिस्क्राइब किया था, तो उसमें ये जिक्र आया था, मुझे बड़ी अपील हुई ये बात, कि वो किस प्रकार से उन सारे क्रियाकलापों को, जिनको कि बिना ज्यादा विचार दिए किया जा सकता है, तो उनको वो अपने रूटीन में ढालते थे, ताकि जिन कार्यों पर ज्यादा सोच विचार की जरूरत है, जिन पर ज्यादा डेलिबरेशन की जरूरत है, तो उन कार्यों पर ध्यान ज्यादा दिया जाए, और जो हमारी कॉग्नाइटिव कैपेसिटी है, सोचने विचारने की, डिसीजन करने की जो हमारी क्षमता है, तो उस क्षमता को उधर लगाया जाए, जहाँ जो क्रिएटिविटी से क्रिएटिवली ओरिएंटेड जो हमारे टास्क होते हैं, वहां पर हमको ज्यादा हमारी उन क्षमताओं को लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो विषय है, अवर फिजिकल प्रैक्टिसेस एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल नेचर, अभी जो हमारी फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, वो जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जो एक ऑटोमेटिज्म का जहां तक रोल है, कि हम कुछ अभ्यासों को हम अपने जीवन में ढालते भी हैं, ताकि समय की बचत हो सके, ताकि हम उनको बिल्कुल एक मसल के स्तर पर, बिल्कुल शरीर के तल पर हम उनको सुनिश्चित तरीके से संपादित कर सकें, और जिन कार्यों पर ध्यान हमको देना है, उन कार्यों पर हम ज्यादा ध्यान दे सकें। तो कुछ ऐसी जो ऑटोमेटिक फिजिकल प्रैक्टिसेस होती है, उनको हम प्रमोट भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमारी आदतें ऐसी भी होती हैं जिनमें कि थोड़ा सा एक एडिक्शन का एलिमेंट भी रहता है। अब जैसे एक 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 लेजीनेस की जो आदत कई बार हो जाती है, तो ये लेजीनेस जो है, लेजीनेस के बारे में बहुत ही अद्भुत मैंने कथन सुना था, वो मुझे लगता है कि हमारी सारी ही फिजिकल हैबिट्स पर लागू होता है। लेजीनेस बिगिंस इन अ कॉबवेब एंड एंड्स इन आयरन चेन्स। हमारी हालत बिल्कुल ऐसी ही होती है। लेजीनेस बिगिंस इन कॉबवेब्स। कॉबवेब्स मतलब जो एक जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है, तो जैसे एक इट यू कैन ब्लो इट अप विद विद अ सिंगल पफ ऑफ एयर, है ना, थोड़ा सा हम हवा फूक मार करके और उसको हम उड़ा सकते। लेकिन जब वही वही लेजीनेस जो है, वो हमारे शरीर को पूरी तरह से आवृत्त कर लेती है, आलस्य की प्रवृत्ति जब हमारे शरीर को आवृत्त कर लेती है, तो वो ऑथर लिखता है कि इट एंड्स इन आयरन चेन्स। यदि लेजीनेस जो है वो हमारे शरीर में स्थापित हो जाए, तो उससे बाहर आना बिल्कुल उतना ही कठिन हो जाता है जितना कि लोहे की जंजीरों से को तोड़ करके बाहर आना। तो कई हमारी आदतें ऐसी हैं जो कि इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी फिजिकल प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि उनसे बाहर आना, जैसे हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, या हमारी और दूसरे जो हमारे हमारे भौतिक अभ्यास हैं, तो वो भौतिक अभ्यास इतने अधिक दृढ़ भी हो सकते हैं कि उनसे बाहर आना बिल्कुल उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि लोहे की जंजीरों को तोड़ करके और बाहर आना होता है। तो हम कहाँ उनको, एक ऐसा क्या मतलब जो है, हम हमारे अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर हम डेवलप करें, या कौन सी उन अभ्यासों को हम विकसित करें कि हम अपनी फिजिकल प्रैक्टिसेस को बिल्कुल सही लाइन पर रख सकें, उनको सही प्रकार से अपने जीवन में जो हमारे लिए सकारात्मक है, उन सकारात्मक वृत्तियों को तो हम बना करके रखें, उनको वैसा विकसित करें, लेकिन यदि कोई नकारात्मक वृत्ति हमारे अंदर विकसित होती है, बिल्कुल एकदम कोर फिजिकल कॉन्शियसनेस में भी, तो उन नकारात्मक तत्वों को हम किस प्रकार से नियंत्रित करें, और उसके आगे जाकर के जो जो मदर ऋषि अरविंद जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल नेचर की बात करते हैं,
तो वहां तक हमारी पहुंच कैसे बने, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक और ऑथर से मैं बड़ा प्रभावित रहा एज ए स्टूडेंट एंड टीचर ऑफ लिटरेचर, राल्फ वाल्डो इमर्सन। राल्फ वाल्डो इमर्सन के जो गुरु थे थोरो, वो दोनों ही भगवत गीता के बड़े प्रशंसक थे, और उनके एसेज जब मैं पढ़ाया करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जिससे मैं भगवत गीता का ही अध्ययन कर रहा हूँ और भगवत गीता ही पढ़ा रहा हूँ। एक जगह पर वो लिखते हैं कि हमारी जो फिजिकल प्रैक्टिसेस होती है ना, जो हमारी हैबिट्स होती है, वास्तव में वो कैसे विकसित होती है और वो किस प्रकार से हमारे चरित्र को और हमारे भाग्य तक को प्रभावित करती है। तो एक बहुत ही अद्भुत कथन में, आप ऐसे बहुत लोगों ने उस कथन को पढ़ा भी होगा, तो वो कहते हैं कि जब हम सो अ थॉट एंड रीप एन एक्ट, सो एन एक्ट एंड रीप अ हैबिट, सो अ हैबिट एंड रीप अ कैरेक्टर, सो अ कैरेक्टर एंड रीप अ डेस्टिनी। इस प्रकार से हमारी यात्रा होती है। विचार का बीज हम बोते हैं तो कृत्य की फसल हम काटते हैं, कृत्य का बीज हम बोते हैं तो आदत की फसल हम काटते हैं, आदत का बीज हम बोते हैं तो चरित्र की फसल हम काटते हैं, और चरित्र का बीज हम बोते हैं तो भाग्य की फसल काटते हैं। शेक्सपियर का भी एक बहुत ही महान कथन है, कैरेक्टर इज डेस्टिनी। तो हमारा कैरेक्टर जो है वो भाग्य में परिणत हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता कि कब जो है वो हमारे जो विचार हैं वो जड़ पकड़ लेते हैं। एक हमारे कश्मीर शेविज्म में एक बहुत ही अद्भुत सूत्र है, चित्तम मंत्र। जब भी मैं स्कूलों में जाता हूँ, मेरा बड़ा एक पैशन है कि बच्चों को के स्कूल में जा करके और उनको कुछ इस प्रकार से शिक्षाओं में रूटेड करना कि वो कभी भी डिप्रेशन या इस प्रकार की किसी इन्हीं नकारात्मक वृत्तियों का शिकार न बने। तो बच्चों को भी मैं ये समझाया करता हूं कि ये जो सूत्र है, इस सूत्र की स्पिरिट को यदि हम समझ लें, चित्तम मंत्र जो है वो हमारे कश्मीर शेविज्म, जो हमारी फिलोसफी की एक ब्रांच है, उसमें जो शिव सूत्राज है, तो शिव सूत्राज में दे आर ऑल सूत्राज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उसमें एक सूत्र आता है चित्तम मंत्र। चित्तम मंत्र का सीधा सा अर्थ ये होता है कि द माइंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मंत्र। जिस प्रकार से मंत्र काम करता है ना, उसी प्रकार से हमारा, उसी प्रिंसिपल पर हमारा चित्त कार्य करता है। तो मंत्र किस प्रकार कार्य करता है हम जानते हैं, मंत्र वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। वी रिपीट थिंग्स, हम दोहराते हैं चीजों, और दोहरा करके भी ये जिस प्रकार से हमारी एजुकेशन की प्रोसेस होती है ना, तो हम चीजों को दोहराते हैं, ये हम जानते हैं। तो दोहराने के द्वारा जो है, जो प्रभाव हमारी चेतना पर मंत्र पैदा करता है, उसी प्रकार से हमारा चित्त चीजों को दोहराता है। वही वचन मंत्र नहीं होते जिनको कि हम दोहराते हैं, जैसे हम विभिन्न मंत्रों को जो माता जी शेरविंद ने हमें प्रदान किए हैं, या और दूसरे मंत्रों को हम दोहराते, दोहराने के द्वारा वो हमारे चित्त पर, हमारी चेतना पर अपना प्रभाव उत्पन्न करते। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो कि वैसे देखा जाए तो कोई वैसे मंत्र नहीं है, लेकिन जिनको हम दोहराते रहे, और ऐसे मंत्रों की जो संख्या है अधिक होती है जो कि नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते। कई बार नकारात्मक विचारों को हम दोहराते, चाहे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई विचार हो, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, या मुझे ये तकलीफ हो गई है, मुझे ये तकलीफ हो गई है, मुझे ये तकलीफ हो गई है, तो हम यह नहीं अपने बोध में ला पाते कि भाई जो जिन मंत्रों का हम जप करते हैं वो तो हमारे जीवन में अपना प्रभाव उत्पन्न करते ही है, लेकिन वो मंत्र जो कि नकारात्मक है, वो विचार जो कि नकारात्मक है, जब हम उनको दोहराना प्रारंभ करते हैं तो वो भी तो मंत्र की भांति हमारी हमारी चेतना पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। चित्तम मंत्र हमको यह बताता है कि जो भी हम दोहराते हैं वो मंत्र की भांति हमारी चेतना पर कार्य करता है, हमारे चित्त पर कार्य करता है।
और ये जो राल्फ वाल्डो इमर्सन का ये जो कथन मैंने अभी आपको सुनाया कि विचार का जब हम बीज बोते हैं तो कृत्य की फसल उगती है, और कृत्य का बीज बोते हैं तो आदत की, आदत का बीज बोते हैं तो चरित्र की, और चरित्र का बीज बोते हैं तो भाग्य की फसल। अब यहां पर देखिए ना कि विचार, हालांकि विचार के बारे में श्री अरविंद और मदर जो गहन दृष्टि हमको प्रदान करते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो जो वैश्विक तल है चेतना, वहां से विचार जो है वो हमारे मन में आते हैं। जो एक सामान्य चेतना की जो भूमि में हम विचरण करते हैं, तो वास्तव में उस ऑर्डिनरी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस पर हम ये नहीं कह सकते कि वी आर द मास्टर्स ऑफ अवर थॉट्स, वी आर नॉट एक्चुअली द मास्टर्स ऑफ अवर थॉट्स। ये तो बहुत ही थोड़ा सा हायर लेवल पर जाकर के ये हमारे लिए संभव हो पाता है कि हम विचारों की शक्ति का सचेतन रूप से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन जो एक सामान्य तल, ऑर्डिनरी प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, वहां पर तो वी आर नॉट दी मास्टर्स ऑफ अवर थॉट्स। मदर कहती है कि सामान्यतः जो है वो हमारा माइंड जो है वो एक पब्लिक प्लेस की तरह होता है, हर प्रकार के विचार जो है वो उसमें प्रवेश करते रहते हैं। कोई पर्टिकुलर विचार जो हमको अपील करता है उसको हम कहते हैं हमारा विचार है। तो इस प्रकार से किसी एक विचार को हम पकड़ लेते हैं, वही विचार जो है वो हमारे अंदर गहरे जड़ पकड़ने लगता है, उसको हम दोहराते रहते हैं धीरे धीरे जाकर के, और वो एक एक्शन का रूप ले लेता है, एक कृत्य का रूप ले लेता है। और यदि उस प्रकार के कृत्य को हम दोहराते रहे तो वो हमारा वो पैटर्न जो हमारी लाइफ में प्रोड्यूस होता है तो वो हमारी आदतें बन जाती हैं, वो हमारी फिजिकल प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे जीवन की यात्रा जो है वो चलती। चित्त मंत्र जो है वो हमको इसके इसका जो कोर है, किस प्रकार से हमारा चित्त कार्य करता है, उसमें उसको एक अंतर्दृष्टि हमको उसमें प्रदान करता है। लेकिन भगवद गीता जो है वो हमको और भी गहराई में ले जाती है। श्री अरविंद के प्रकाश में जब हम गीता का अध्ययन करते हैं तो और भी गहरी इंसाइट जो है वो हमको प्राप्त होती है। अब जैसे जो हमारा तीसरा अध्याय है भगवद गीता का, तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृति जीर्गुणे। कहते कोई भी ऐसा क्षण नहीं है, अभी कितनी अद्भुत बात है, कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जबकि हम किसी कार्य में रत नहीं रहते, कोई कर्म हमारे द्वारा संपादित नहीं हो रहा होता। हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो अभी शांत बैठे हुए हैं, हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं। लेकिन वो जो चुपचाप बैठना है, उस चुपचाप बैठने में भी, उन क्षणों में भी कुछ न कुछ भाव की सृष्टि हमारे अंदर होती रहती है। वो जो भाव की अवस्थाएं हैं वो भी तो अपने आप को दोहराती है। चित्त मंत्र का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर ही चीजों को दोहराते हैं, सिर्फ हम विचारों को ही दोहराते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे चित्त की अवस्थाएं भी अपने आप को दोहराती हैं। और यदि बिल्कुल एकदम डाउन टू दी कोर ऑफ फिजिकल कॉन्शियसनेस हम देखें तो हमारा उठने बैठने का तरीका है, हमारा चलने का तरीका है, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है, हमारी पूरी पूरा जो एक हमारा भौतिक व्यक्तित्व है, वो पूरा का पूरा एक मंत्र ही है, ये भी हम कह सकते हैं। Our ways of being are also a मंत्र, we can say, because it creates an impact of its own। हमारा व्यक्तित्व भी तो अपना प्रभाव छोड़ता है। फिर उसी प्रकार से जैसे कि जैसे हम अपने सिग्नेचर करते हैं, हमारे जो हस्ताक्षर होते हैं, तो देखिए ना बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो वही राइटिंग जो है वो हम दोहराते हैं। हमारी राइटिंग भी जो है वो एक मंत्र बन जाती है। किसी की राइटिंग से, हैंड राइटिंग से हम पहचान लेते हैं कि यह वो व्यक्ति है। हमारे उठने बैठने चलने के तरीके से, हमारे व्यवहार के तरीके से, चाहे हम कुछ बोलें या न बोलें, बाहरी हमारा जो भौतिक व्यक्तित्व है वो भी हमारी पहचान बन जाती है, वो भी एक मंत्र की भांति का है।
और मन और प्राण के तल पर, चूंकि मैं अपने विषय को यहीं तक फिजिकल प्रैक्टिसेस तक ही ज्यादा इस पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस है वो हमारे हमारी हमारा जो माइंड है और वाइटल जो है उसको कितना अधिक प्रभावित कर, तो जो हमारा हमारा जो केनोपनिषद है, श्री अरविंद ने जो उसकी सुंदर व्याख्या की है, और जो पहला ही वचन केनोपनिषद का है, तो उस पहले ही वचन में जो है वो हम देखते हैं, केनोपनिषद कहता है केनेशितम पतति प्रेषितम, ये जो हमारा मन है किसके द्वारा, कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि हमारे मन का जो है किसी लक्ष्य पर बाण की भांति संधान करते हैं, हमारा पूरा का पूरा मन जो है वो एक बाण की भांति किसी लक्ष्य का संधान करने में लग जाता है। तो इस प्रकार से चित्त मंत्र जो है वो बहुत ही गहरे अर्थ लिए हुए हैं, हमको इसके गहरे अर्थ को अपने जीवन में समझना चाहिए, क्योंकि तभी जो है वो हम उसको उसके अर्थ को उसके एसेंस को हम आत्मसात कर सकते हैं। और ये जो हमारी यात्रा है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, ये हमारे जीवन में आगे बढ़ सकती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भगवत गीता जो हमको समझाती है, जो जो वर्ड्स मैंने अभी आपके सामने कोट किया कि कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जबकि कोई कर्म हमारे द्वारा संपादित नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। कई कई बार ऐसा होता है जैसे हम बच्चों को कहते हैं भाई ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठ करके अध्ययन करो, इस प्रकार से हर समय लेटे मत रहो, इस प्रकार से हर समय इस पोस्चर में मत बैठो, क्योंकि हमारे पोस्चर्स भी हमारे मंत्र बन जाते हैं। कोई पर्टिकुलर फिजिकल पोस्चर है, वो फिजिकल पोस्चर में यदि हम अधिकतम रहते हैं तो वो पोस्चर भी जो है वो हमारे लिए बिल्कुल एक वही फिक्स्ड हो जाता है। तो ये जो मंत्र है भगवद गीता का, ये जो श्लोक है, ये और भी गहरी दृष्टि हमको प्रदान करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि ये जो ऑटोमेटिज्म है लाइफ, ये ऑटोमेटिज्म एक हद तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, एक सीमा तक तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कुछ इस प्रकार के अभ्यास हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं जो कि वास्तव में ठीक नहीं होते, उनको हमें उन अभ्यासों को हमको परिवर्तन भी करना पड़ता है। कई ऐसे अभ्यास हमारे होते हैं जिनमें परिवर्तन लाना भी बहुत आवश्यक होता है। कई हमारी ईटिंग हैबिट्स होती है जिनको हमको आगे चल करके और बदलना पड़ता है, यंग एज में वो ठीक है। कई हमारी आदतें ऐसी होती हैं जैसे कि मदर श्री अरविंद कहते हैं कि बीमारी भी जो है वो हमारे लिए एक आदत सी बन जाती है। कोई विशेष प्रकार का रोग है तो हम कहते हैं कि भाई देखो ये तो शुरू से ही मेरा संस्कार है, ये रोग जो है ये तो मुझे बचपन से ही होता रहा है। हम उसको बड़ा उसके हम अकस्टम्ड हो जाते हैं, बड़े फमिलियर हो जाते हैं, उसको हम स्वीकार ही कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये तो रूपांतरण की राह नहीं है, हमको आगे चल करके कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन रूपांतरण अपने जीवन में अपनी जो भौतिक चेतना के तल तक उन परिवर्तनों को लाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम ये पाते हैं कि हमारा जीवन जो है, भगवत गीता हमको इनसाइट देती है ना, जो सातवां जो चैप्टर है उसमें वो कहती है कि बुढ़ापे और मृत्यु को भी स्वीकार करना जो है वो उचित, जरा मरण मोक्षाय की बात कर, सातवें अध्याय के जरा मरण मोक्षाय मामा शित्ति यतन, तो जो मेरे शरणागत हो करके और जरा और मरण से मुक्ति के लिए उपाय करता है तो उसके सामने पूरा कर्म जो है वो प्रकट हो जाता है, जो अखिल कर्म है वो प्रकट हो जाता है। तो इतनी गहरी दृष्टि जो है वो हमारे पास में है, लेकिन वास्तव में
हम उसको अपने जीवन में उतारे कैसे, ये जो वास्तव में जो भौतिक रूपांतरण की जो प्रक्रिया है जो कि बहुत आवश्यक है। अब जैसे देखें ना कि जो रोगों का जहां तक संबंध है, कोई ना कोई रोग जो है, जैसे कई लोगों के का उदाहरण है, हम सभी उसमें सम्मिलित है। एक एक सीमा के बाद जो हम कहते हैं अरे ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है वो अधिक रहने लगा है, अरे थोड़ी सी शुगर हमारी बढ़ने लग गई है, अरे ये थोड़ा सा ये रोग जो है वो मुझे आने लगा है। तो यदि ये रूपांतरण की कला हमारे जीवन में नहीं आती है तो हम बिल्कुल फिजिकल लेवल पर भी स्पिरिचुअल गोल जो है वो तो हमारे सामने की ही, लेकिन बिल्कुल भौतिक तल पर भी ये बहुत आवश्यक है कि हम रूपांतरण की उस कला को सीखें, उसको समझें, उसको हम आत्मसात करें। तो भगवत गीता के श्लोकों को हम लेंगे। अब जैसे दो श्लोक जो है वो जो हमारे उसमें जो 13th चैप्टर है, 13th चैप्टर बहुत ही अद्भुत, हालांकि हर एक श्लोक जो और हर एक अध्याय भगवत गीता का बहुत ही अद्भुत है, लेकिन श्री अरविंद के प्रकाश में हम उसको समझें तो वो ऐसा लगता है कि द होल भगवत गीता हैज बिकम लाइव फॉर अस, पूरी भगवत गीता का ज्ञान जो वो हमारे सामने जीवंत हो उठता है। अब जैसे भगवत गीता का जो 13th चैप्टर है, उस 13th चैप्टर की शुरुआत होती है प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षत्रम क्षत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन कहता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो प्रकृति और पुरुष का जो जो अर्थ समझना जीवन में बहुत आवश्यक है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, तो उसको हम थोड़ा अभी आगे चल करके उसको यहाँ इस विषय पर उसकी किस प्रकार से उपयोगिता है ये हम समझेंगे। लेकिन बिल्कुल तत्काल इस बिंदु को हम अपने उसमें संज्ञान में ले लें, अपने बोध में ले लें कि बॉडी एक फील्ड भी है, बॉडी एस फील्ड, नोइंग द बॉडी एस फील्ड। हमको हमारा ये जो भौतिक शरीर है, हमारी जो देह है, क्षेत्र की भांति भी जानना चाहिए। क्योंकि जब अर्जुन ने ये प्रश्न किया ना कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, ये भी जानना चाहता हूं, तो जो पहला जवाब भगवान कृष्ण का आता है, हालांकि वो इसको आगे बहुत इलेबरेट करते हैं क्योंकि पूरी चेतना ही क्षेत्र है, लेकिन वो सबसे पहली बात जो कहते हैं अर्जुन से वो यही है, इदम शरीरम कुंतेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदम शरीरम कुंतेय क्षेत्र मित्य विधीयते, यह इस शरीर को ही तू क्षेत्र जान। हम बॉडी को फील्ड के रूप में, एक खेत होता है ना, क्षेत्र होता है जिसमें कि हम बीज बोते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन का जो कथन है वो यहाँ पर बहुत ही उपयोगी जान पड़ता है कि भाई इस देह तक उस विचार का जो बीज हम बोते हैं तो उसकी जो लहर है, उस विचार की जो लहर है, वो लहर बिल्कुल देह रूपी क्षेत्र पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। तो इस देह को क्षेत्र के रूप में जानना, और इसका जो दूसरा भाग है इसी श्लोक का, वो और भी थोड़ा गहरे अर्थ लिए हुए है, उसको और आगे चल करके हम इलेबरेट करेंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि इस शरीर को ही तू क्षेत्र जान, और इसको जो इस भांति जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर को जो क्षेत्र की भांति जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्षेत्रज्ञ हूं, मैं जो है वो क्षेत्रज्ञ नहीं होता है, क्योंकि मैं जो है वो तो जो हमारा अहम बोध है वो क्षेत्रज्ञ नहीं होता, वो तो स्वयं क्षेत्र में शामिल है। जो हमारा अहम बोध है वो स्वयं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र में शामिल, क्षेत्र की जो है वो एक अलग तल है देह को क्षेत्र के रूप में जानने का। और हमारा जो मन है, हमारा जो प्राण है, हमारी जो संपूर्ण चेतना है, और जो हमारा अहंकार है,
सारा का सारा ही क्षेत्र है। आगे चलकर भगवान ये कहते हैं कि तू सारे शरीरों में क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे ही जान। तो यहां क्या इनसाइट वास्तव में हमारे लिए है, ये अभी हमको आगे चलकर के स्पष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर को क्षेत्र की भांति जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब श्री अरविंद हमसे कहते हैं, होता ये है कि हम अपने पास्ट सेल्फ और जो हमारा जो मेंटल वाइटल फिजिकल फॉर्मेशन से ओल्ड मेंटल वाइटल और फिजिकल फॉर्मेशन से उनसे हम जुड़े रहते हैं। तो दो और वर्सेस जो 13वें अध्याय के हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 22वां और 23वां। 22वें श्लोक में भी प्रकृति और पुरुष वाला अंतर आता है। 22वें श्लोक में वो कहते हैं कि पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भूतेर प्रकृतिर जान गुणान कारणम गुण संगोच सत सद्यो निज। पुरुषम प्रकृतिस्थो भूतेर प्रकृतिर जान गुणान। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारी वर्तमान स्थिति या वर्तमान अवस्था की ओर इशारा करता है। पुरुषम प्रकृतिस्थो ही, हमारी जो सामान्य अवस्था है वो है प्रकृतिस्थ पुरुष, क्योंकि प्रकृति जो हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति है जिसको श्री अरविंद इंटरप्रीट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, कैसे जो हमारे ट्रिपल मोड्स ऑफ एनर्जी है, जो ट्रिपल मोड्स ऑफ एनर्जी और उनका जो सम्मिश्रण हमारे अंदर रहता रहता है, तो वो जो सम्मिश्रण है, वो जो प्रकृति, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो ट्रिपल मोड्स ऑफ एनर्जी है, उसी में हम बहते रहते हैं। कभी जो रजोगुण है वो डोमिनेट करता है, कभी सत्वगुण डोमिनेट करता है, कभी तमोगुण डोमिनेट करता है, और ये हमारी प्रतिदिन की जो बदलती हुई प्रकृति है, प्रतिपल की जो बदलती हुई प्रकृति है, ये जो हमारा प्रतिपल का जो बदलता हुआ अनुभव है, इसको हम महसूस करते हैं कभी हम उस प्रकृतिस्थ पुरुष को अनुभव कर पाते हैं, और कभी कभी पूरा प्रकृति के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, लेकिन फिर भी उस प्रकृतिस्थ पुरुष को हम महसूस करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो वही तो हमको उस अनुभव से गुजार रहा है ना। हम कहते हैं अरे आज को बड़ा आलस्य महसूस हो रहा है, अरे आज कार्य करने की इच्छा नहीं है, या आज मैं बड़ा बोर्ड फील कर रहा हूं, या आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बड़ा स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, या उत्साह से भरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा हूं। और कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारा उत्साह क्षीण हो रहा है, कभी हमको ऐसा लगता है कि हम निराशा में है, कभी हमको ऐसा लगता है कि हम अति उत्साह में है। तो ये प्रकृतिस्थ पुरुष की हमारी अवस्था है, और ये जो प्रकृतिस्थ पुरुष की जो हमारी अवस्था है, प्रकृति के गुणों में जो हम बहते रहते हैं, प्रतिपल का जो है हमारा अनुभव है, ये तो हमारी सामान्य अवस्था हुई। लेकिन इसके अगले ही श्लोक में भगवद गीता हमको वो कुंजी प्रदान करती है कि इस प्रकृतिस्थ पुरुष से बाहर किस प्रकार से निकलना है, इससे उच्चतर अवस्था को कैसे हासिल करना है, क्योंकि वहीं से फिर वो रूपांतरण की प्रक्रिया की कुंजी हमको प्राप्त होती है। तो अगले ही श्लोक में भगवद गीता हमको कहती है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे की चाप युक्त देहस्मिन पुरुष परा। श्री अरविंद ने इसको बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया है इस इज ऑन द गीता में। तो लेकिन वो कहती है कि अब देखिए, थोड़ा सा ज्यादा गहराई में जाना, थोड़ा सा विषय से भटकना है उस श्लोक में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको बोध में लें तो और भी गहराई से हम इसके अर्थ को, नेक्स्ट वाले वर्ड्स को ज्यादा उससे हम आत्मसात कर पाएंगे। जो प्रकृतिस्थ पुरुष की अवस्था है वो कितने घातक परिणाम ला सकती है हमारे जीवन। भगवद गीता कहती है कि यदि उसी तल पर यदि हम स्टक होकर के रह जाते, प्रकृतिस्थ पुरुष के तल पर यदि हम स्टक होकर के रह जाते, तो वो जो गुणों में आसक्ति हमारी हो जाती है ना, तो गुणों में आसक्ति जो है वो एक बहुत ही
सामान्य, हम चाहे उसको उसको हम रियलाइज करें या ना करें, लेकिन गुणों में आसक्ति तो हमारी हो ही जाती है, क्योंकि वी बिकम अटैच टू अवर वेज ऑफ बीइंग। मदर ने कहा है ना कि अपने वेज ऑफ बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर, जब तक हम ये न समझें कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म अवर अवर एस्टेब्लिश्ड वेज ऑफ बीइंग। और जैसा आगे चल करके श्री अरविंद कह रहे हैं कि अपने पास्ट सेल्फ और अपने ओल्ड मेंटल वाइटल और फिजिकल फॉर्मेशन और हैबिट्स से बाहर निकलना। अब ये जो श्लोक है ये श्री अरविंद की ही वर्ड्स है, क्लिंगिंग टू द पास्ट सेल्फ एंड इट्स ओल्ड मेंटल वाइटल एंड फिजिकल फॉर्मेशन एंड हैबिट्स, जो सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरविंद हमको समझाते हैं कि हाउ टू रिलीज वन सेल्फ फ्रॉम सब्जेक्शन टू द बॉडी। ये सब्जेक्शन टू द बॉडी वाले शब्द है जिसमें श्री अरविंद हमको समझाते हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट सेल्फ एंड इट्स ओल्ड मेंटल वाइटल एंड फिजिकल फॉर्मेशंस एंड हैबिट्स। तो पुराने हमारे जो अभ्यास निर्मित हो जाते, वो अभ्यास हमारे निर्मित हो गए वहां तक तो ठीक है, लेकिन उस प्रकृतिस्थ पुरुष को ही हम इतना अपना मानने लगते हैं, वो जो हमारे ओल्ड वेज ऑफ बीइंग है डाउन टू द कोर ऑफ अवर फिजिकल सेल्फ, वहां पर जा करके और हम अपने पास्ट सेल्फ से, क्योंकि हम देखें ना भाई, देखो मुझे तो भोजन में यही पसंद है भाई, मुझे तो जो है वो इस समय ही भोजन लेना होता है भाई, मुझे तो जो है वो इसी प्रकार से रहना पसंद है। तो ये जो हमारा पास्ट सेल्फ है उसी को तो भगवद गीता इशारा कर रही है ना, प्रकृतिस्थ पुरुष। और ये जो क्लिंगिंग टू द पास्ट सेल्फ के रूप में जो श्री अरविंद हमको समझाते हैं और भगवद गीता जिसकी तरफ इशारा करती है कि ये इतना फैटल होता है, इतना घातक होता है कि यही जो है वो अच्छी और बुरी योनियों में जन्म का कारण बनता है। हालांकि श्री अरविंद ने इस पर एक अपनी उच्चतर राय प्रकट की है, वो कहते हैं कि नहीं, वास्तव में इस प्रकार का कोई वो जब तक कि कोई बहुत ही ऐसा इंटेंस अटैचमेंट की बात नहीं हो, हमारी हमारा जो जीवन है वो विकास की तरफ ही प्रवृत्त होता है, हम उच्चतर भूमिका में ही जन्म लेते हैं। लेकिन लेकिन इस श्लोक को थोड़ा सा एक ज्यादा इनसाइटफुली देखने के लिए मैंने इसलिए आग्रह किया क्योंकि कितना अधिक हम भौतिक तल तक हम कितना अपनी आदतों में डूब जाते, वो जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हमने डेवलप कर लिए हैं, वो जो ओल्ड जो फिक्स्ड वेज ऑफ बीइंग हमारे जो निर्मित हो जाते हैं, उनसे बाहर निकलना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। ये जो जो कथन एक अंग्रेजी साहित्यकार का मैंने आपको सुनाया था कि लेजीनेस बिगिंस इन कॉबवेब्स एंड एंड्स इन आयरन चेन्स, आलस्य जो है उसकी शुरुआत बिल्कुल एक मकड़ी के जाले की भांति बहुत ही हल्के तरीके से होती है, लेकिन वो किस प्रकार से हमको लोहे की बेड़ियों में जकड़ लेता है। तो जब हमारी हमारी जो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे लिए लोहे की जंजीरें बन जाते हैं, वो अभ्यास जब हमारे लिए लोहे की जंजीरें बन जाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से वो हमारा जो आगे विकास है उस विकास को बहुत ही अधिक बाधक बन जाते हैं। लेकिन भगवत गीता हमको एक इंसाइट देती है, वो कहती कि नहीं, ये जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, इस प्रकृतिस्थ पुरुष से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, देर इज अ हायर सेल्फ विद इन अस, जो एक हायर ऑब्जर्वर हमारे अंदर है। प्रकृतिस्थ पुरुष भी अपने आप में दृष्टा की क्षमता लिए हुए होता है, तभी तो हम अनुभव करते हैं ना और हम बताते हैं कि भाई बहुत आलस्य महसूस हो रहा है या बहुत उत्साह महसूस हो रहा है ना। तो ये जो प्रकृति के अंतर स्थित होकर की और प्रकृति का निरीक्षण करने की जो हमारी क्षमता है, यही तो प्रकृतिस्थ पुरुष है। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने आप को एक उच्चतर भूमिका में लाते हैं तो कहते हैं कि हम प्योर ऑब्जर्वर भी बन सकते हैं। ये जो शुद्ध ऑब्जर्वर होने की जो क्षमता हमारे अंदर निहित है, ये हमको वास्तविक उन्नति का मार्ग जो है वो हमको प्रदान करता है। तो श्री अरविंद समझाते हैं
कि यू कैन नॉट ओनली बिकम द प्योर ऑब्जर्वर, यू कैन ऑल्सो गो अहेड, उस वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए दृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता भेश्वरा। इतनी क्षमता हमारे अंदर है, ये जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस ऑब्जर्वेशन के तहत हम पूरी की पूरी चेतना को ले सकते हैं। और यदि हमको इस प्रकार से स्वयं को डिटेच करने की क्षमता यदि हमारे अंदर आ जाती है, तो वो हमारे जीवन में रूपांतरण का हमको माध्यम बन जाती है। तो इस प्रकार से जर्नी जो है श्री अरविंद हमको बताते हैं, क्योंकि यदि हम पास्ट सेल्फ से क्लिंग होकर के और यदि हम चलते हैं, यदि हम उन्हीं हमारी आदतों को में ही हम जीते चले जाते हैं, तो फिर स्वयं में सामान्य परिवर्तन की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है, लेकिन जो रूपांतरण और जो एक अद्भुत आगे दिव्य जीवन की तरफ जो श्री अरविंद हमको इशारा करते हैं, वो फिर हमारे लिए दूर की कोड़ी बन करके और रह जाते हैं। ये दो जो चीजें हैं, इन दोनों सूत्रों को जो मैंने समझा है एक साधक के रूप में, वो मुझे यूं लगता है कि एक तो उस जो रियल ऑब्जर्व वाला जो सेल्फ हमारे अंदर है, वो जो रियल दृष्टत्व जो हमारे अंदर है, तो रियल साक्षित्व जो हमारे अंदर आना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही फिर हमको अनुमंता होना सिखाता है। वही हमको सिखाता है कि भाई प्रकृति की क्रियाओं पर कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित करना है, उनमें परिवर्तन किस प्रकार से लाना है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि सिर्फ ऑब्जर्वर होने से काम नहीं चलता है, वो क्षेत्रज्ञ के रूप में भी, क्षेत्रज्ञ का अनुभव हम जो एक फिजिकल प्लेन पर भी हमारे अंदर, हम जैसे हम अपने अपनी देह को क्षेत्र के रूप में जब जानने लगते हैं, यदि हम बहुत गहराई से अपनी अपनी देह की चेतना पर, अपने मन और अपने प्राण पर कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें, तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने कोई बीज डाला है, चाहे विचार के रूप में हमने बीज डाला हो, किसी भाव के रूप में हमने बीज डाला हो, तो वो बीज जो है वो किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर जड़ जमाने लगता है, वो अंकुरित होने लगता है, और वो हमको एक निश्चित परिणाम की ओर जो वो हमारे जीवन को प्रवृत्त करने लगता है। तो ये जो साक्षित्व और ये जो क्षेत्रज्ञ वाला जो गुण है, ये हमारे अंदर आने लगे, तो हम निश्चित रूप से उस रूपांतरण की योग में प्रवृत्त हो सकते हैं। अब यही पॉइंट में इसमें बताना चाहता था कि हाउ वी कैन आउट ग्रो अवर पास्ट सेल्फ, हाउ कैन वी कंटिन्यूअली लीव बिहाइंड द पास्ट सेल्फ्स एंड टू सी एक्ट एंड लिव फ्रॉम एन ऑलवेज हायर एंड हायर कॉन्शियस लेवल। ये भी श्री अरविंदो की ही शब्द है, वो कहते हैं कि वी मस्ट लर्न हाउ टू आउटग्रो अवर पास्ट सेल्फ। अब देखिए ना, एक कदम हम और आगे बढ़ जाते हैं जब हम न सिर्फ हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस को, हमारी ओल्ड हैबिट्स और हमारी ओल्ड प्रैक्टिसेस को हम आउटग्रो करना सीखें, उसके लिए हमको अपने पास्ट सेल्फ को भी आउटग्रो करना सीखना पड़ता है। क्योंकि यदि हम उसी प्रकृतिस्थ पुरुष को, जो कि एक एक अपनी आदतों में और अपनी अपने पुराने भौतिक अभ्यासों में जो बहते हुए निर्मित हो जाता है, तो वहां से यदि हम वो जो पास्ट सेल्फ है, उस पास्ट सेल्फ को यदि हम आउटग्रो नहीं कर पाते, एक न्यू सेल्फ यदि हम हमारे अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी हम उस रूपांतरण की प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। हम अपने पुराने स्व से ही, जो कि पुराने अभ्यासों में जकड़ा हुआ है, जो कि पुरानी आदतों में जकड़ा हुआ है, उसी से हम क्यों स्टक रहे, उस पुराने स्व को छोड़ करके और क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते? तभी तो हायर सेल्फ की बात होती है ना। तो उस हायर सेल्फ में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं? और श्री अरविंद जो तो हमको बताते हैं कि भाई वो जो जर्नी है वो कहीं
रुकती ही नहीं है, उस जर्नी में हम आगे बढ़ते रह सकते हैं, उसमें उच्चतर चेतना में हमारी अभिवृद्धि जो है वो निरंतर जारी हो सकती है। अब इसको थोड़ा और मैं आपको एक केस स्टडी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये मदर के वचन है, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कंट्रोल देन कंटिन्यू द मास्टरी टू चेंज द कैरेक्टर। एक कहानी मैं सुनाया करता हूँ, मुझे बड़ी अपीलिंग लगती है। एक वेस्टर्न ऑथर है, चार्ल्स डूही, उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी, क्योंकि उसमें जो सारी मॉडर्न रिसर्च है हैबिट्स पर या फिजिकल प्रैक्टिसेस पर, वो भी उस बुक में आ जाती है। तो उसमें एक वो कहानी सुनाते हैं, लीसा एलन नाम की एक लड़की की। ये लीसा एलन नाम की लड़की की जो कहानी है, इसको हम एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। अब जैसे लीसा एलन की जो कहानी है वो इस प्रकार से चलती है, और ये बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है, और इस रियल लाइफ स्टोरी में ये जो लड़की है, अमेरिकन गर्ल है, इसके ऊपर न्यूरोलॉजी की लेबोरेटरीज में रिसर्च होती है, साइकोलॉजी की लेबोरेटरीज में रिसर्च हुई है और अभी भी होती रहती है, कि किस प्रकार से बहुत ही कम समय में उसने अपनी पुरानी आदतों को किस प्रकार से बदल डाला। लीसा एलन 16 वर्ष की उम्र से ही स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट में पड़ जाती है। वो इतना अधिक स्मोकिंग, हालांकि हमारी संस्कृति का ये उतना विषय अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, कई जगहों पर मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर भी न सिर्फ लड़के वरन लड़कियां भी जो है वो स्मोकिंग करते हुए देखी जा सकती। तो ये बहुत कठोर सत्य है जिसको हमको स्वीकारना चाहिए। मेट्रोपोलिटन सिटीज में तो मुझे कई जगह ऐसा देखने को मिला है। तो ये जो लीसा एलन है, ये लीसा एलन हमारी कंट्री में भी हमारे आसपास हमको मिल सकती। तो ये 16 वर्ष की उम्र में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट में पड़ जाती है, और बीच में उसकी शादी हो जाती है, वो उसकी वो जो भौतिक अभ्यास है वो जारी रहते हैं, और ये होता है कि कुछ ही वर्षों बाद जो है वो उसका जो हस्बैंड है वो उससे कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, आई एम इन लव विद सम अदर वूमन एंड आई एम गोइंग टू डिवोर्स यू। और ये जहां सर्व करती थी, इसकी ये आदत हो जाती है उन्हीं अभ्यासों की वजह से, जो स्मोकिंग और ड्रिंक की जो उसकी हैबिट्स थी, उन्हीं अभ्यासों की वजह से वो कहीं पर भी किसी भी जॉब में 5-6 महीने से अधिक रुक नहीं पाती। हर 5-6 महीने में अपना जॉब बदल देती है, और कुछ समय बाद उसका शरीर जो है वो इतना थुल थुल हो गया उसकी आदतों की वजह से, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, और उसके हस्बैंड ने उससे कहा कि भाई मैं जो है वो तुमको तलाक देना चाहता हूं। तो एक दिन उसको जब उसका हस्बैंड उससे ये कहता है, तो उसको ये लगता है कि अरे ये क्या हुआ मेरे जीवन, मैं आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गई हूँ, क्योंकि कहीं भी कोई भी जॉब उसका रेगुलर नहीं चलता है, मैं स्वास्थ्य से भी बहुत कमजोर हो गई हूँ, मैं इतना इतना मोटापा मेरा हो गया है, और अब तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कह दिया है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो बड़ी निराशा और अवसाद में जो है वो उसका जीवन उतरने लगता है। थोड़े से पैसे उसके क्रेडिट कार्ड में रहते हैं, तो वो ये सोचती है कि मैं मुझे मिस्र के पिरामिड घूमने का शुरू से ही बड़ा शौक रहा है, तो मैं तो मिस्र के पिरामिड से देखने के लिए जाऊंगी। तो वो अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके और इजिप्ट पहुंच जाती है। वहां पहुंच करके एक होटल में वो चेक इन करती है। रात के समय उसकी नींद अचानक से खुलती है, कमरे में लाइट्स नहीं थी, और अचानक से जब उसकी नींद खुलती है तो जैसा उसकी आदत थी, वो तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डालती है और सिगरेट निकालती है, उस सिगरेट को लाइट अप करती है, और जैसे ही वो अपने लॉइटर से सिगरेट को जलाती है तो कमरे में उसको प्लास्टिक की गंध महसूस होती है, और वो ये रियलाइज करती है कि अरे ये मैंने सिगरेट नहीं जलाई है, ये तो मैंने अपने पेन को लॉइटर से जलाने की कोशिश की। तो उसको लगता है कि मेरा तो जीवन में किसी भी चीज पर नियंत्रण ही नहीं रहा, ऐसा लगता है कि मेरा मेरा जीवन जो है वो मेरे हाथ से निकल गया, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर एनीथिंग इन माई लाइफ। तो ये जो पेनफुल रियलाइजेशन उसको होता है, जो
when she becomes painfully conscious of her of the miserable condition of her life, तो वो ये तय करती है कि मुझे किसी एक चीज पर अपने जीवन में नियंत्रण स्थापित कर, कोई तो एक चीज ऐसी हो जिस पर कि मैं नियंत्रण स्थापित करूं, कोई एक चीज तो मेरे कंट्रोल में हो। तो वो विचार करती है कि मेरे जीवन में कोई लक्ष्य होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई उच्च लक्ष्य नहीं है, यदि कोई लक्ष्य हो तो मैं अपनी सारी एनर्जीज को उस पर फोकस करूं। तो उसको शुरू से यह बात बड़ी अपील करती थी कि मैं डेजर्ट ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी, कभी ना कभी जब भी मेरे लिए संभव हुआ मैं डेजर्ट ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी। तो डेजर्ट ट्रैकिंग के लिए जाऊंगी, तो डेजर्ट ट्रैकिंग पर जाने के लिए तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, और फिजिकल फिटनेस की तो बात ही दूर थी, वो तो इतनी मोटी और धुलधुल हो गई थी, उसका तो स्वास्थ्य भी जवाब देने लगा। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं एक वर्ष जो है वो स्वयं को तैयार करने के लिए देती हूँ, और इस एक वर्ष में इतनी तैयारी मैं करूंगी, फिजिकल फिटनेस हासिल करूंगी और डेजर्ट ट्रैकिंग पर जाऊंगी। तो वो एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, वो सोचती है कि मुझे सबसे पहले आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग एंड स्टार्ट जॉगिंग। तो फिजिकल फिटनेस को कैसे, हाउ टू टेक ऑन टू दैट पाथ ऑफ बेटर फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। तो वो कहती मैं सुबह जल्दी उठ करके और जॉगिंग के लिए जाऊँ। अब जैसे ही वो तय करती कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठ करके और जॉगिंग के लिए जाना है, तो एक तरफ जॉगिंग की एस्पिरेशन की भाई मुझे जॉगिंग की प्रैक्टिस कल्टिवेट करना है, और दूसरी तरफ जो स्मोकिंग की हैबिट है तो स्मोकिंग की हैबिट को तो ड्रॉप करना ही होगा। तो सबसे पहले वो स्मोकिंग की हैबिट को ड्रॉप करती है, मतलब उस पर धीरे धीरे वो उसको कम करना शुरू कर देती है, और जॉगिंग करना जो है वो प्रारंभ कर देती है। अब जब वो जॉगिंग करने के लिए जाना प्रारंभ करती है, तो उसने देखा कि जब भी वो रात को ड्रिंक कर लेट डिनर करती है, और जब ड्रिंक करती है तो वो सुबह जो है वो उसको एनर्जी का वो लेवल फील नहीं होता है, उतनी ऊर्जा उसको महसूस नहीं होती है, और वो पूरे मन से जॉगिंग नहीं कर पाती, पूरे उत्साह से जॉगिंग नहीं कर पाती। तो वो ये तय करती है कि भाई मुझे शाम को जो है वो सही समय पर खाना है, और ड्रिंक जो है वो मुझे धीरे धीरे कम करना है और बंद करना। तो वो धीरे धीरे इस आदत पर भी अपना नियंत्रण करती है, क्योंकि उसको किसी भी हालत में जो है वो सुबह रनिंग के लिए तो जाना ही है, तो उसके लिए शाम को सही समय पर सोना ही है, और शाम को सही समय पर सोने के लिए यह आवश्यक है कि डिनर जो है वो सही समय पर होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। तो धीरे धीरे उसकी न सिर्फ स्मोकिंग, उसकी जो ड्रिंकिंग की जो हैबिट थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो अपना भोजन भी नियमित करती। अब वो ये देखती है कि भाई शाम को सही समय पर भोजन करने के लिए जरूरी है कि मैं शाम को सही समय पर ऑफिस से आऊं, और सही समय पर ऑफिस से आने के लिए ये आवश्यक है कि मेरा जो ऑफिस का वर्क है उसको बहुत ही वेल प्लान्ड सुनियोजित तरीके से उसको करूं, क्योंकि यदि उस सुनियोजित तरीके से मैं अपने कार्य को नहीं करती हूं तो मेरा वर्क पेंडिंग रह जाता है, मुझे थोड़ा और समय के लिए ऑफिस में रुकने की आवश्यकता महसूस होती है। तो उसने अपने कार्य को बहुत सुनियोजित तरीके से सुचारू तरीके से करना प्रारंभ कर दिया। ये जो परिवर्तन की श्रृंखला डाउन टू द कोर ऑफ फिजिकल कॉन्शियसनेस जो उसके जीवन में प्रारंभ होती है, इसको यदि हम समझने का प्रयास करें, और जैसा मैंने आपको बताया कि लीसा एलन का जीवन जो है वो कई लेबोरेटरीज में, क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन, और क्योंकि कुछ ही सालों में, लगभग 2 या 3 साल में, वो न सिर्फ जो है वो अपना उसका मोटापा खत्म हो जाता है, मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट तो उसकी बहुत पीछे छूट चुकी होती है, उसका मोटापा ठीक हो जाता है, उसकी बॉडी एथलीट्स वाली बॉडी हो जाती है। तो एक केस स्टडी के रूप में साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की जो लेबोरेटरी से वहां पर उसके जीवन पर अध्ययन हुआ है। यहाँ जो तात्कालिक रूप से जो हम इसको, जैसे ये जो है ना मदर की जो कथन है, मदर कहती फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कंट्रोल देन कंटिन्यू द मास्टरी टू चेंज द कैरेक्टर।
तो लीसा एलन की स्टोरी में हम ये देख सकते हैं कि वो जो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर जब हम किसी जब हम पेनफुली कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे यार ये जो आदत है, ये जो फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं हमारे जी, इनको तो बंद करना ही होगा, इनको तो कंट्रोल करना ही होगा। तो वो जो पेनफुल, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, वो कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वो यदि हमारे अंदर आने लगे कि इन परिवर्तनों को जीवन में लाना है। और मदर का ये दूसरा कथन मुझे यहाँ पर बहुत ही प्रासंगिक लगता है, जब वो कहती है एमलेस लाइफ इज अ मिजरेबल लाइफ, ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एम विल डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर। तो एक उच्च लक्ष्य यदि जीवन में होता है तो वो किस प्रकार से हमारे जीवन में मोटिवेशन लाने की क्षमता रखता है, ये लीसा एलन का जीवन हमको बताता है। और उसके अंदर वो जो पेनफुल कॉन्शियसनेस, जब वो सिगरेट की बजाय अपने पेन को सुलगा लेती है, और जब वो महसूस करती है कि जीवन में किसी भी चीज पर उसका नियंत्रण नहीं रहा, और किसी एक चीज पर तो उसका नियंत्रण स्थापित हो, और उस एक चीज से लेकर के उसके जीवन में जो परिवर्तनों की जो श्रृंखला प्रारंभ होती है, और एक मोटी और फुलफुल महिला से वो एक एथलीट में कन्वर्ट हो जाती है, और किस प्रकार से मतलब जो है वो अपने कार्य में भी, कार्य क्षेत्र में भी, जहां वो हर 6 महीने में अपना जॉब बदला करती थी, वो लगभग 4-4 साल तक जो है वो अपनी जॉब की कंटिन्यूटी बनाए रखती। तो एक उच्चतर लक्ष्य होना, जैसा मदर कहती, वो भी हमारे जीवन में, क्योंकि जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है ना, जैसे जो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड हैबिट्स हैं, उनको यदि परिवर्तित करना हो तो फिर कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए, कोई हायर सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए। तो फर्स्ट बीइंग कॉन्शियस, देन कंट्रोलिंग, एंड देन कंटिन्यूइंग द मास्टरी टू चेंज द कैरेक्टर। लेकिन यहां पर भी अब जैसे जैसे उसके उसके थोड़े और आगे जाकर की और हमको सब चीजों को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि लक्ष्य जो है वो लक्ष्य क्या हो। अब यदि हम हमारे भगवद गीता के ही कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझने का प्रयास करें, तो यदि वो गोल जो है वो हमको हमारे लोअर सेल्फ का ही कोई हायर मटीरियल एम्बिशन वाला गोल, कोई भौतिक महत्वाकांक्षा ही यदि हमारे जीवन में प्रमुख बन करके रह जाती, तो वो हमारे जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन तो ला सकती है जैसा कि लीसा एलन के जीवन में लेकर के आए। लेकिन जब बात आती है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की, जब बात आती है दिव्य रूपांतरण की, जब बात आती है अपनी अपनी सारी जो हमारे हमारे देह मन और प्राण में वो उस उच्चतर परिवर्तन की जो कि हायर सेल्फ में ही पॉसिबल है, तो फिर हमको इसके आगे जा करके और हमारे अंदर परिवर्तन की भूमिका को स्थापित करना। ये इस प्रकार के जो मटेरियल गोल्स है, मटेरियल गोल्स भी हमारे यूथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि एक उच्च भौतिक लक्ष्य रख करके, और जिसको भगवद गीता कहती ना सर्वभूत हिते रता, जिसमें न सिर्फ हमारा भला हो लेकिन हमारे समाज का भी भला हो, तो ऐसा उच्च लक्ष्य भी अपने आप में निश्चित रूप से अच्छा है। लेकिन उस उच्च लक्ष्य को भी जीवन में लाने के लिए और वास्तव में सभी लोगों का भला उसमें सिद्ध हो सके, उसके लिए ये आवश्यक है कि हम थोड़ा सा हायर सेल्फ की भूमिका में अपने लक्ष्य को स्थापित करें। क्योंकि यदि हायर सेल्फ की भूमिका में यदि कोई लक्ष्य हमारे जीवन में स्थापित नहीं होता है, तो परिवर्तन और रूपांतरण की वो क्षमता हमारे जीवन में फलित हो ही नहीं सकती। वो जो ओल्ड वेज ऑफ बीइंग को छोड़ना, वो फिजिकल डाउन टू द कोर ऑफ फिजिकल कॉन्शियसनेस, अपने जीवन में परिवर्तन को ला पाना, वो संभव ही नहीं होगा। और जब बात ये आती है कि भाई किसी रोग ने यदि जीवन में घर बना दिया है, और उस रोग के साथ भी यदि मान लीजिए कि अब जैसे अवसाद की ही समस्या को हमने
मदर, ये भी मदर का ही दिया हुआ एग्जाम्पल, मदर कहती है कि डिप्रेशन में जाने की भी तो हमारी हैबिट बन जाती है ना, कि भाई थोड़ा सा कहीं किसी उदासी ने, कहीं किसी निराशा ने हमको घेरा, और वो उदासी और वो निराशा जो है वो हमको इतना अधिक जो है वो हमारे जीवन को घेरने लग जाती है कि हम फ्रिक्वेंटली मतलब जो है डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो मदर हमको बताती है कि भाई यहां पर भी कॉन्शियस होना जरूरी है, ये जो अवसाद को, निराशा को जो हमने मंत्र बना लिया, ये जो हमारे लिए चित्तम मंत्र, निराशा और अवसाद के तल पर, डाउन टू द कोर ऑफ अवर फिजिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि अवसाद को तो मेडिकल कंडीशन माना ही जाता है मेडिकल साइंस। तो यदि इस प्रकार से जो है वो हम बार बार डिप्रेशन में जाने के यदि वो हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए, तो मदर कहती है कि वहां तक हमको कॉन्शियस होना, लर्न करना जरूरी है, और उस और गहराई में जाकर के बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द कॉजेस, उन कॉजेस में हम जाना सीखे, कौन सी ऐसी चीज है जो कि वो ट्रिगर हमारे अंदर ऑन कर देती है और हमारे अंदर वो निराशा का फ्लो होने लग जाता है, वो हमारे अंदर डिप्रेशन जो है वो छाने छाने लग जाता है। तो टू बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, नॉट जस्ट द स्टेट बट द कॉजेस बिहाइंड इट, और गहराई में जा करके, और हम जो हमारी हैबिट है जो कि किन्हीं पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में तुरंत निराशा और अवसाद का शिकार, तो उन परिस्थितियों में भी, उन सर्कमस्टांसेस में भी यदि हम अपनी अवेयरनेस को बनाए रखें, धीरे धीरे हम उस डिप्रेशन को यदि हम रिफ्यूज कर दें और गीता के अनुसार यदि हम चले, तो हम उससे भी थोड़ा आगे बढ़ करके, और हम अपने उस नेचर को ही चेंज कर दें, क्योंकि वो लीवर हमारे अंदर है, वो अनुमंता जैसा भगवत गीता कहती है ना, कि सिर्फ प्रकृतिस्थ पुरुष बने ही बने रहना ही हमारी नियति नहीं है, हम दृष्टा भी बन सकते हैं, हम अनुमंता भी बन सकते हैं, और ये यात्रा हमारी और आगे तक जारी रह सकती है। तो हम और थोड़ा आगे बढ़ करके और अनुमंता बने, हम रिफ्यूज कर दें कि हम नहीं इसके शिकार हो, हमको पता है कि किस प्रकार से निराशा का बादल हमारी चेतना को आवृत्त करता है, हम जानते हैं किस प्रकार से अवसाद का बादल हमारी चेतना को आवृत्त करता है, तो वी रिफ्यूज टू बिकम अ विक्टिम। तो ये जो जो लीवर है, इस लीवर को हम पहचाने, और यही नहीं, बस मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट और लूंगा, इसके भी आगे बढ़ करके, और हम इसके भी आगे हम जा सकते हैं। एक्सरसाइजिंग द विल तो जरूरी है ही, जैसा कि मदर ने हमको बताया कि संकल्प की जो शक्ति है, वो संकल्प की शक्ति जो है वो एक हायर सोर्स ऑफ मोटिवेशन यदि हमारे अंदर है, तो संकल्प की शक्ति जो है वो निश्चित रूप से हमारे अंदर कार्य करती है, और जो जो प्रकृति और पुरुष की जो समझ जो गीता हमको बताती है वो हमें इसमें मदद करती है, और ये जब हमको समझ में आने लगता है कि भाई हम सेंक्शन को विड्रॉ भी कर सकते हैं, वी नीड नॉट यील्ड टू दी ओवर पावरिंग क्लाउड्स ऑफ डिप्रेशन, है ना, उसको 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 ज्यादा यील्ड करने की जरूरत नहीं है, हम वी कैन विड्रॉ अवर सेंक्शन। जब ये हमको समझ में आने लग जाता है तो ये हमारे लिए संभव हो जाता है कि हम हर भांति जो है वो अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन एक और आगे बढ़ करके, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि जब रोग की बात होती है, तो जैसे मान लीजिए किसी रोग, कोई रोग है जो कि हमारे अंदर जड़ जमाने लगता है, तो क्या ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारा जो ध्यान है वो, जैसे जो हमारी हमारा हमारा जो फिजिकल बीइंग है, इनर फिजिकल बीइंग है, उस इनर फिजिकल बीइंग में गहराई तक उतरने का अभ्यास यदि हम विकसित कर लें, तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे कि हमारे अंदर जो है वो क्षमता विकसित होने लगी है, जो
जबकि हम अपनी भौतिक प्रकृति की जड़ता से और वो जो हमारे पुराने अवर ओल्ड वेज ऑफ बीइंग है फिजिकल लेवल पर, जहां पर कि उन उन रोगों ने अपनी जड़ें जमाना प्रारंभ की है या काफी जड़ वो जमा भी चुके हैं, तो हम ये पाएंगे कि नहीं, हमारे अंदर बहुत गहरी क्षमता है जो इधर फिजिक जो हमारा हमारी इनर कॉन्शियसनेस जिसे अरविंद माता जी को बताते हैं, वहां तक यदि हमारी एक्सेस बनती है, हमारे चित्त पुरुष तक यदि हमारी एक्सेस बन जाती है, तो हम ये पाते हैं कि नहीं, हम उन पैटर्न्स को भी जो फिजिकल कॉन्शियसनेस के लेवल पर जो जो बीमारी के जो पैटर्न जो हमारी हमारे आउटर फिजिकल बीइंग में जो एस्टेब्लिश हो गए हैं, उनसे भी हम बाहर आ सकते हैं, तो रोगों से भी मुक्ति की दिशा में। श्री अरविंद तो कहते हैं कि डिजीज भी एक हैबिट बन जाती है। हम कहते हैं कि भाई लो, अरे ये तो मुझे तो बचपन से ही इसका जो है वो संस्कार है, अरे ये तो मुझे होता ही है, ये तो मेरे पिताजी को भी हुआ था, ये मेरी माता जी को भी हुआ था, हमारे यहाँ तो ये और मेडिकल साइंस भी जो है वो उसको वो करता है, जस्टिफाई करता है, तो ये तो जेनेटिक कॉजेस है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो कॉन्शियसनेस के जो सूत्र हमको शेरविंद और माता जी से प्राप्त होते हैं, तो इवन द हैबिट ऑफ डिजीज कैन बी मिनिमाइज्ड एंड इट कैन बी ग्रेजुअली एलिमिनेटेड। तो द पावर ऑफ द माइंड टू सेट राइट द डिसऑर्डर्स, इसको हमको पहचानने की जरूरत है। और इसके भी आगे चल करके, और अब जैसे श्री अरविंद कहते हैं, सारे श्री अरविंद के शब्द हैं, द हैबिट बाय विच द बॉडीली नेचर एसोसिएट सर्टेन फॉर्म्स एंड डिग्रीज ऑफ एक्टिविटी विथ स्ट्रेन फटीग इनकैपेसिटी, ये भी हमारी 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 फिजिकल हैबिट्स में शामिल है। जैसे कोई चीज ऐसी है जो कि हम तुरंत हमको स्ट्रेन हो जाता है, कोई कार्य ऐसा होता है जो कि तुरंत हमको फटीग की फीलिंग देता है, कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम कहते हैं नहीं यार I don't know, लेकिन मैं बड़ा incapacity फील करता हूं। तो ये इन आदतों को भी श्री अरविंद कहते हैं कि सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे उच्चतर चेतना में हमारी ग्रोथ होती है, जैसे जैसे विल का जो रोल है, संकल्प शक्ति भी, जो हम जानते हैं कि जब हायर सेल्फ में हमारी संकल्प शक्ति ज्यादा समग्रता के साथ पे काम करती है, वो हमें वो पावर देती है, वो हमको फ्रीडम देती है, जिसको गीता बुद्धि योग के रूप में भी हमको समझाती है, योग ऑफ इंटेलिजेंस के रूप में, योग ऑफ विल के रूप में। तो वो जो पावर है, वो जो फ्रीडम है, वो जो स्विफ्टनेस है, जो इफेक्टिवनेस है, जो हम हमारी देह के तल पर सिद्ध कर सकते हैं, उसकी तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। तो ये जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, ये जो हमारी फिजिकल प्रैक्टिसेस हैं, और उन फिजिकल प्रैक्टिसेस में किस प्रकार से हम रूपांतरण को सिद्ध कर सकते हैं, ये बहुत ही उत्साहजनक मां कृष्ण और माता जी ने हमारे सामने खोला है, और हम इसमें ग्रो होते चले जाएं। आई होप दैट आई हैव डन सम जस्टिस विद द टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच दीदी, जय श्री मां, फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक। Thank you so much.